Hi everyone, welcome back on my YouTube channel Mathematics with Nitika Datta. And we were doing the topic determinants, and today our subtopic is area of triangle. How to find the area of triangle when the three points are given. In grade 10th and 11th you have already done about the area of triangle with the vertices x1, y1, x2, y2, x3, y3. So in lower classes your area of triangle was half into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. तो वहाँ पर आप इस तरीके से भी निकालते थे, लेकिन हम एरिया विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं, जो कि अब हम यहाँ पर निकालेंगे डिटर्मिनेंट की हेल्प से. बट अगर हम एरिया की बात करें, ट्राइंगल के एरिया की बात करें, अगर आपके पास थ्री लाइन्स हैं और अगर ये तीनों लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तभी हमारा एरिया बनेगा. अगर तीनों में से अगर कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और तीसरी लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है तो आपस में ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगी. तो एरिया के लिए सबसे पहले तो हमारा ये एमसीक्यू बन सकता है कि तीनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप एरिया निकाल पाओगे, राइट. और अगर आपके पॉइंट्स लाइक कोलिनियर हैं तब भी आपका एरिया ज़ीरो है. कोलिनियर मतलब अगर आपके पॉइंट्स एक ही लाइन पर पड़े हुए हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, तब भी आपका यहाँ पर एरिया नहीं बनेगा. सपोज़ अगर पॉइंट्स इस तरह से हैं तो आप एरिया नहीं बना सकते, तो वहाँ पर हमारा एरिया हो जाता है ज़ीरो. तो ये जो एरिया और डिटर्मिनेंट किस तरह से ये कंबाइन किया है, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन इस पर हमने की हुई है कि डिटर्मिनेंट और इक्वेशंस ऑफ लाइंस में क्या रिलेशन है, क्यों ये ऐसे डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया. ये ऑलरेडी हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए या तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर आपको पेपर में प्लस टू में क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट से ही करना पड़ेगा. हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से नहीं कर सकते. हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इट्स योर विश, तो आप कैसे भी एरिया निकालो, चाहे 10th 11th का मेथड यूज़ करो, चाहे आप 12th का मेथड यूज़ करो, राइट. तो अब हम डिटर्मिनेंट में देखो इसको कैसे चेंज कर रहे हैं. बेटा देखो, यही जो एक्सपेंशन मैंने लिखी है, जो आपने 10th में या 11th में किया है, उसी एक्सपेंशन को मैंने दोबारा से इस तरीके से लिख दिया है, राइट. तो अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो लाइक इन दिस वे, अगर आप एक्सपैंड करते हो फर्स्ट रो के साथ एक्सपैंड करते हो, तो x1 आपके पास क्या बचेगा, y2 1, y3 1, देन यू हैव सेकेंड माइनस y1, इसको एक्सपैंड करोगे आप x2 1, x3 1, एंड द थर्ड के लिए 1 के लिए एक्सपैंड करोगे तो यू विल गेट x2 y2 x3 y3. तो चेक करें कि क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं. अब इसको और एक्सपैंड करते हैं, हाफ इंटू x1, इट बिकम्स y2 माइनस y3. ये तो पहला तो हमारा मैच हो गया, अगर आप चेक करो तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, राइट. माइनस y1 यहाँ पर अगर आप करोगे तो x2 माइनस x3, ये क्वाइटली मैच नहीं हो रहा, देख लेते हैं, कोई बात नहीं. नेक्स्ट इज x2 y3 माइनस y2 x3, x2 y3 माइनस y2 x3. तो अब इसको आगे एक्सपेंड करते हैं थोड़ा मैच करने के लिए. अगर आप इन दोनों में से कॉमन देखो तो x2 और x2 यहाँ पर कॉमन है. अगर मैं x2 को कॉमन ले लूँ, x2 को मैंने अगर कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा y3 माइनस y1. तो देखो सेकंड ब्रैकेट भी हमने बना ली है, और थर्ड ब्रैकेट के लिए अगर आप देखो तो x3 और x3 यहाँ पर कॉमन है. x3 एंड x3, आई एम टेकिंग x3 एज कॉमन, यू विल गेट ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, y1 माइनस y3. तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, राइट. तो अब हमने एरिया निकालना है डिटर्मिनेंट की हेल्प से, क्योंकि ऑलरेडी हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, और अगर हम एरिया भी इसी से निकालेंगे तो इससे और ज़्यादा प्रैक्टिस होनी है. प्लस एक नया कॉन्सेप्ट भी आपने लर्न किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकल सकता है, क्योंकि ये भी इटसेल्फ एक डिटर्मिनेंट ही है. तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से. तो बेटा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 4.3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 7, 1, 1 एंड 10, 8. तो ऑब्वियस है, अब हम कैसे हमने एरिया फाइंड करना है.
एरिया के लिए सबसे पहले तो हम इनको वर्टिसेस को नेम देंगे, x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको एक सीक्वेंस में ही लिखना है, आप कैसे भी ले सकते हो, उसको पहले ले सकते हो, उसको बाद में ले सकते हो, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला आंसर में। तो दिस इज़ द माई फॉर्मूला और इसको मैं लिखने लगी हूँ। अब मैंने लिखना है x1, x2 और x3 वर्टिकली, मतलब कॉलम में लिखना है। तो हम लिख लेते हैं 2, 1 एंड 10, नेक्स्ट है 7, 1 एंड 8 एंड द लास्ट कॉलम जो है वो आपका 1, 1, 1 का बनेगा, राइट। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और साथ में आएगा आपका हाफ, वो तो आना ही है, राइट। तो ये हाफ क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल का एरिया बनता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वहाँ से जब हम एक पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया हाफ वाला, राइट। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपने पढ़ा हुआ है 10th में। तो यहाँ पर अब इसको एक्सपैंड करते हैं फर्स्ट रो के साथ। फर्स्ट रो के साथ अगर आप एक्सपैंड करोगे तो 2 को छोड़ दोगे और आपके पास बचेगा 1, 1, 1, 1, 1, 8, 1। देन आपके पास सेकेंड एलिमेंट 7 विद नेगेटिव साइन, 7 का रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, यू विल गेट 1, 1, 10, 1 एंड द लास्ट इज 1, ये छोड़ोगे आप मिलेगा आपको 1, 1, 10, 8, राइट। तो इसको भी हम एक्सपैंड कर लेते हैं, सिंपल है, हाफ इंटू 2 इंटू, ये क्या आएगा, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8। हर स्टेप आपने लिखना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी कि मेरा क्वेश्चन जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 95% चांसेस हैं नेगेटिव साइन को इग्नोर किया जाता है, गलत कर देते हैं बच्चे। 8 माइनस 10, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो गलती कभी नहीं होगी। 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 2, देन यू विल गेट 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14 प्लस 63 माइनस 2, इट बिकम्स हाफ इंटू। अच्छा, जो भी आपने एरिया निकालना है वो आपका पॉजिटिव ही होगा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। इनकेस अगर नेगेटिव साइन आ भी जाएगा तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। 16 इसमें से आप 16 माइनस करोगे, यू विल गेट 47, ये तो है ही पॉजिटिव। सो 47 स्क्वायर यूनिट्स इज योर एरिया। Now it's your wish, if you want to give your answer in decimal you can give it, otherwise it is okay here, but बस आपको स्क्वायर यूनिट यहाँ पर मैंशन करना है, क्योंकि हम स्क्वायर यूनिट्स में काम करते हैं अगर कोई भी हमें यूनिट गिवन ना हो। Now students come to question number 2, show that the points A, B, A, B plus C, B, C plus A, C, A plus B are collinear. Now see, if the points are collinear then the area of triangle will be 0, as I have told in the beginning of this lecture. तो यहाँ पर आपने डिटर्मिनेंट 0 लेना है और 0 लेने के बाद आप फॉर्मूला लगाओगे डिटर्मिनेंट का, दिस विल बी x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 will be 0। इसको आप लोगे x1, y1, x2, y2, x3, y3, put all the values of x1s, y1s in this determinant. तो बेटा मैंने यहाँ पर x1, y1, x2, y2, x3, y1 की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और ये जो 1/2 था, क्योंकि एरिया 0 है तो ये 1/2 उधर चला गया, तो ये डिटर्मिनेंट हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये 0 है या नहीं। सॉरी, यहाँ पर हमने 0 प्रूव करना है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट, चलो चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल कर देंगे, नो प्रॉब्लम। अब हमने इसको एक्सपैंड किया है फर्स्ट रो के साथ, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लिया, ये रो कॉलम कैंसिल, ये एलिमेंट्स बचेंगे। सेकंड के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है, उसका रो छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, यू विल गेट बी सी 1, 1 और सिमिलरली फॉर द एलिमेंट 1। नाउ जस्ट एक्सपैंड, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 2×2 मैट्रिसेस। मम्मा कैसी हो? कैसी वैसी हो? ये इधर है, ये उधर है। तो ये सारी ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करके आपको मिलेगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। तो अगर आप चेक करोगे तो आप ये कैंसिल हो रहा है, ए सी के साथ ए सी कैंसिल, ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट दिस विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पर आप ज़ीरो इसको ऐसे ही लेकर चलो, वन बाई टू, और वन बाई टू इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं, कोलिनियर में आपने डिटर्मिनेंट को ज़ीरो प्रूव कर देना है। I think this is enough for today. The next topic we will cover in the next video, which is again related to area of triangle. We will do some extra questions which are not from the NCERT. Till then, revise your work. Thank you.